कंटिन्यूअस प्रॉफिट्स का एक ही ट्रिक है, अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने से हमें पहले से ही टारगेट्स और तरीका नजर आते हैं और हमें अपने इमोशंस के हिसाब से ट्रेडिंग करने का टेम्पटेशन नहीं होता है। सिंपल वर्ड्स में, आप अपने फीलिंग्स नहीं बल्कि फैक्ट्स पे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बेस करेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कई तरह से होते हैं, मैं सारे ऑप्शंस बताता हूं, आप समझ के अपने लिए सबसे करेक्ट फिट डिसाइड करो। पहला ऑप्शन, टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज टेक्निकल चार्ट्स और इंडिकेटर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। क्या आप मूविंग एवरेजेस जैसे इंडिकेटर्स यूज करोगे? क्या फिबोनाची नंबर्स इस्तेमाल करोगे? नहीं तो क्या आप आरएसआई जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स यूज करोगे? कई लोग तो 5 मिनट 15 मिनट आर्ली जैसे टेक्निकल चार्ट्स यूज करके स्टॉक प्राइसेस प्रेडिक्ट कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन, फंडामेंटल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पहले ऑप्शन से थोड़ा आसान है। ये स्ट्रेटजी में ट्रेडर सिर्फ पास्ट एंड प्रेजेंट स्टॉक प्राइस देखकर आगे होने वाले स्टॉक प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट करते हैं और उसके हिसाब से अपने टारगेट प्राइस, एग्जिट प्राइस और स्टॉप लॉस भी सेट कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आर यूज्ड बाय एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। वे यूज करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स टू प्रेडिक्ट स्टॉक प्राइस। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग और टेक्निकल ट्रेडिंग में टूल्स, फॉर एग्जाम्पल आपने मूविंग एवरेजेस देखी होगी, उसमें भी कभी कभी कुछ चीजें सेम रहती हैं, लेकिन दे यूज स्टेटिस्टिकल एंड एल्गोरिथमिक डेटा एज वेल। बॉस, ट्रेडिंग शुरू करने के बाद नो मैटर व्हाट, डू नॉट गिव इन टू ग्रीड और टेम्पटेशन एंड चेंज योर स्ट्रेटजी। तो चलो बैठ के डिसाइड करो व्हिच स्ट्रेटजी सूट्स यू बेस्ट। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.